नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो मैं हूँ करनेश कौशल, और आज हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे फैन बेल्ट को चेंज करने वाले हैं। फैन बेल्ट हमारा एक्चुअली गाड़ी का कट चुका है, तो आज हम पप्पू के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं कि फैन बेल्ट कैसे चेंज करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पप्पू जी का हाथ में अभी एक नया बेल्ट है, तो उस बेल्ट को हम लोग चेंज करने वाले हैं। वो बेल्ट कहाँ पे होता है चलिए देखते हैं। तो चक्का के नीचे कुछ देख सकते हैं, ये रहा फैन बेल्ट, इसको एक्चुअली चेंज करने वाले। ये कट चुका है, ये अभी शायद आप लोग कैमरा में नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी शायद आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सीधा आप देख रहे हैं वही फैन बेल्ट है, जिसके कारण क्या होता है कभी कभी जब फैन बेल्ट कट जाता है तो गाड़ी चिक 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 हमेशा आवाज़ करते रहती है। तो उस चीज़ भी दूर हो जाएगा अगर हम फैन बेल्ट को चेंज नहीं करेंगे। तो क्या नुकसान है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो क्या नुकसान है ये चीज़ हम देखते हैं, चलिए अंदर जाके स्टार्ट कीजिए थोड़ा बुलेट गाड़ी को। देखिए एक्चुअली जब गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो ये RPM मीटर है वो फैन बेल्ट कटा होने के कारण ये अभी उठ नहीं रहा है। एक्चुअली ये अभी 1 पे होना चाहिए। पहला डिमेरिट ये है कि यहाँ पे ये जो RPM मीटर है वो यहाँ से उठेगा ही नहीं। दूसरा डिमेरिट यही है कि अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक अभी आपका हार्ड हो जाएगा, जिससे ब्रेक अभी लगेगा नहीं। ब्रेक देखिए दबाने से आपको शायद अंदाजा होगा कि हार्ड है अभी ब्रेक, बहुत हार्ड है ब्रेक हार्ड हो जाता है। और तीसरा डिमेरिट यही है कि आपका बैटरी भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि फैन बेल्ट कटने के कारण वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता है। आप देख सकते हैं हमारे बैटरी को, यहाँ पे हरा सिग्नल दिखाई जाता है बट अभी हरा सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारा वो फैन बेल्ट कटा हुआ है जिसके कारण वो बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो ये 3 डिमेरिट है। पहला डिमेरिट कि आपका RPM नहीं उठेगा, दूसरा डिमेरिट आपका ब्रेक सही से नहीं लगेगा, तीसरा डिमेरिट कि आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले फैन बेल्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम सीधे आप लोगों को बताने वाले हैं कि फैन बेल्ट कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पप्पू जी के हाथ में आप देख सकते हैं कि फैन बेल्ट अभी है, इसे वो मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ। ये मेरे को पड़ा कम से कम 250 रुपया। तो उस बेल्ट को अभी चेंज करेंगे। चेंज करने का कहाँ से नट खोलेंगे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इंजन का नीचे पे मैं दिखा रहा हूँ लाइट करके आपको। देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो नट, उस नट को अभी हम खोलने वाले हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो नट है काफ़ी मैंने लाइट कर दिया, ये जो नट अभी खोलना है। ये नट एंटी क्लॉकवाइज खोलने के बाद इस नट को टाइट करना पड़ेगा, जिसके कारण वो फैन बेल्ट ढीला हो जाएगा। ढीला होने के बाद वो हमारा फैन बेल्ट इजी से निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी चीज़ को। तो फैन बेल्ट खोलने के लिए हमें कुछ रेंच की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हमारा एक देख सकते हैं गोटी रेंच, जो कि 13 नंबर का है, 12 या 13 नंबर का है आई थिंक, मैं देख लेता हूँ। ये 12 नंबर का है, यहाँ देख सकते हैं आप 12H, ये 12 नंबर का रेंच है गोटी रेंच। और इसके साथ हमारे चाहिए टूल, तो इसकी मदद से आज हम इसको खोलने वाले हैं। तो चलिए खोलते हैं। तो अब हम उस नट को खोलने वाला है। तो देख सकते हैं कि मैंने वो रेंच अभी वहाँ पे लगा दिया है, जिसके कारण ये रड है हमारा, उसको यहाँ पे अब इस साइड आपको खींचना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको खोलना है। तो ये खुल रहा है, थोड़ा सा मेहनत है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड जगह पे है। तो इसको खोलेंगे सबसे पहले। तो उस नट को देख सकते हैं कि मैंने अभी वो नट ढीला कर लिया है। वो नट ढीला करने के बाद इस नट को अभी टाइट करने वाले हैं हम। पप्पू जी थोड़ा कैमरा पकड़िए, इस नट को थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे हाथ घुसा के टाइट करना पड़ता है। ये क्लॉक वाइज घुमाना पड़ता है नट को, जिससे कि ये हमारा नट टाइट होता है। टाइट होने के कारण क्या होता है, वो जो फैन बेल्ट है वो ढीला हो जाता है। तो ढीला होने के कारण इससे हम आसानी से खोल सकेंगे। तो देखिए, तो मैंने देखिए काफ़ी ये इसको अभी टाइट किया हुआ, जिसके कारण ये देख सकते हैं ये नट हमारा यहाँ पे था, अभी यहाँ पे जा चुका है। तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नट अभी कभी यहाँ पे था कुछ देर पहले, तो इसको मैंने टाइट करके यहाँ पे किया हूँ, जिसके कारण क्या होता है कि वो फैन बेल्ट है वो ढीला हो चुका है। तो चलिए फैन बेल्ट को निकालते हैं। तो चक्का के नीचे आके हम
फैन बेल्ट को निकालने वाले हैं, तो देख सकते हैं कि फैन बेल्ट अभी ढीला हो चुका है। अब इसको हाथ से निकाल देना है, ये इजीली निकल जाएगा। अब निकालिए पप्पू जी, देखिए आसानी से फैन बेल्ट निकल गया। तो देखिए फैन बेल्ट कितना कट चुका है, सारे साइड दिखा दीजिए पप्पू जी, राउंड करके दिखाइए इसको। देखिए हर जगह कटा हुआ है, वही चीज़ हम नया बेल्ट लगाने वाले हैं। देखिए नया बेल्ट, इसमें कहीं भी कटा हुआ नहीं है, ये एक्चुअली पूरा नया है। तो इस बेल्ट को अभी हम लगाने वाले हैं, तो चलिए फिट करते हैं। पप्पू जी फिट कीजिए इसको। पप्पू जी देख सकते हैं कि बहुत मेहनत से वो फैन बेल्ट को लगा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पप्पू जी लगाए हैं। पप्पू जी थोड़ा दिखाइए, देखिए लगा चुके हैं, लग गया आसानी से। देखिए पप्पू जी ने काफ़ी मेहनत से इस बेल्ट को लगाया है, तो ये बेल्ट लग चुका है। तो बेल्ट लगने के बाद वापस हम इसको इस नट को टाइट करने वाले हैं। सबसे पहले इस नट को एंटी क्लॉकवाइज ढीला करेंगे, जिसके कारण वो फैन बेल्ट टाइट होता है। तो अभी इस नट को खोलने टाइम क्या किए थे, हम इसको टाइट किए थे, तो नट को वापस हम ढीला करने वाले हैं यहाँ, जबकि नट हमको यहाँ पे लाना है, और इस उसके बाद इस नट को टाइट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो वापस इस नट को हम इस साइड घुमाने वाले हैं। थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ये कंजेस्टेड जगह पे है, तो नट को मैंने थोड़ा सा टाइट किया हूँ, अभी थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद हम स्टार्ट करके गाड़ी को देखने वाले हैं कि आरपीएम हमारा एक पे चढ़ रहा है कि नहीं। आरपीएम जब तक एक पे नहीं चढ़ेगा, तब तक इसको इस नट को दोबारा हम टाइट नहीं करेंगे। तो एडजस्ट करके देखने वाले हैं, अगर गाड़ी स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं कि आरपीएम हमारा सही से चढ़ रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये बेल्ट टाइट हो चुका है। तो पप्पू जी थोड़ा गाड़ी स्टार्ट कीजिए। हाँ बोलो जी, हमारे एस्केलेटर। तो देख सकते हैं कि आरपीएम हमारा अब काम कर रहा है, आरपीएम मीटर, जिसके कारण हमारा बैटरी भी चार्ज होगा अब, और पावर ब्रेक भी लगेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने पप्पू का वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू ड्राइव कार, तो इस मैंने आई बटन पे ऊपर पे आप जाके देख सकते हैं कि वो मैंने वो लिंक कर दिया आई बटन पे, हाउ टू ड्राइव कार। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।